गया था वहाँ, बहुत कम लोगों को ऊपर जाने दे रहे हैं वो लोग, लेकिन आई हैव द गुड फॉर्चून ऑफ गोइंग देयर और मैं उनके बेटे से मिलकर आ रहा हूँ जो मेरा दोस्त भी है। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बस भगवान को दुआओं के सारे अगर हमारे बीच में रखें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ही इज़ रियली वेरी बैड। देखिए डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि चांसेस कम हैं, लेकिन जब तक आखिरी सांस चलती है उम्मीद तो बंदी रहती है। वो इंसान शेर की तरह जिया है, शेर की ज़िंदगी जिया है, और जो सबसे अच्छी उनमें बात एक विशेषता थी, कभी उनके मुंह से हमने किसी की बुराई नहीं सुनी और कभी किसी के मुंह से हमने उनकी बुराई नहीं सुनी, तो वो तो एक फरिश्ता सिफत इंसान। अब देखिए ज़िंदगी और मौत तो किसी डॉक्टर के इख्तियार में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के इख्तियार में है। हम सब दुआ ही कर सकते हैं फिलहाल, और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो एक्शन का जनक रहा है, जो एक्शन का भीष्म पितामह रहा है, पहला हीरो था जिसने अपनी कमीज उतारी थी, बेयर चेस्टेड काम किया था। उस जमाने में फिल्मों को स्टंट फिल्म कहा जाता था, एक्शन हीरो को स्टंट हीरो कहा जाता था। आज वो एक्शन फिल्में कही जाती हैं, वो एक्शन हीरो कहे जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो कार्डबोर्ड के एक्शन हीरोज हैं, वो आज उनमें से कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि वो आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सो कॉल्ड एक्शन हीरोज में से कोई उन्हें यहाँ अब तक देखने आया नहीं है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर तुम्हें एक्शन सीखना है तो दारा सिंह की फिल्में देखो। हम स्कूल से भाग भाग के उनकी फिल्में देखते थे। एक्शन क्या होता है वो आप सीखिए दारा सिंह से। आज के जो एक्शन हीरोज हैं, या तो वो कटिंग की मदद से, या कंप्यूटर की मदद से, या फाइट डायरेक्टर की मदद से वो एक्शन करते हैं। दारा सिंह कैमरा रख दिया जाता था और वो आठ आठ पहलवानों से अकेले लड़ते थे और उनको पछाड़ते थे। वो दारा सिंह हैं, वो जनक हैं, वो इज़ लाइक अ फादर फिगर, वो हमारे पिता समान है। लेकिन अफसोस की बात यह है